लोग एक साथ मिलकर के आप सब लोगों के साथ यानी 6 पार्टी एक साथ मिलकर के सारा काम करेगी। मैं आग्रह करूंगा हमारे विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को सौंपेंगे, जो कि मैं आग्रह करूंगा मुनि जी दूसरा बुके तेजस्वी जी को सौंपें, जो ललन सिंह जी को सौंपेंगे हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी। आगे काम करने का निर्णय कर लिया तो मैं इसके लिए आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि हम भी और हमारी पार्टी के सब और जो अभी आप बता रहे हो कि हमारे पुराने मित्र हैं, भाई ये ठीक कह रहे हैं। अभी जो हो रहा है दिल्ली से, जो इधर से उधर किया जा रहा है सब जगह, तो इसको देखते हुए हम लोग को बड़ी मजबूती के साथ सब जगह और सब न सिर्फ सरकार बनाना है बल्कि एक बार पक्का जान लीजिए कि हम लोगों को पूरे एक एक इलाके में बहुत ठीक ढंग से हम लोगों को लोगों के बीच में मीटिंग करके और सभी पार्टी के जो हम लोगों के लोग हैं सब लोग मिलकर सबको जागरूक किए रहेंगे ताकि मिलजुल करके और जो इधर से उधर कोई करना चाहता है उसको कहीं सफलता नहीं मिले, और हम मिल करके बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे और पूरे अभी जो देश भर में जो कुछ भी हो रहा उसके लिए हम लोग फिर जो आज पीछे विपक्ष में पड़ गया है उनको फिर सत्ता पक्ष में लाने के लिए प्रयास करेंगे। इसके आगे इसमें कुछ शक नहीं, अब मिल गए अब सब लोगों के साथ, अब कोई हमको अब देखिए अभी हमको बहुत तकलीफ थी, हम अपने लोगों को भी कहे हैं आप लोगों को भी कहे हमको बड़ा खराब लग रहा है, अब ये हो गया अब आज अब हमको बिल्कुल जिसको कहिए कि अब मन अभी एक साथ मिल करके 6 पार्टी के लोग हम लोग जो भी आप जानते ही हैं सब मिल करके एक ही साथ जाके गवर्नर से भी टाइम ले लें। हालांकि हम जो गए थे तो हमने कहा कि भाई अन्य पार्टी के लोग भी तो आके आपको अपनी बात ठीक है, इसलिए अभी ये कह देना चाहिए तुरंत इमीडिएटली तुरंत यही कहना है आप सब लोगों को। तो अभी कुछ लोग एक साथ उनसे समय लेते हैं और जाते हैं और तब तक रहिए ना यहाँ चले कर ले तब तक यहाँ पर रही है तब जब वहाँ के लोग आ जाएंगे तब देखिए आगे क्या गड़बड़ करने की कोशिश को करता है देखा जाएगा। हमने तो पूर्व में ही अपने आवाज से माननीय मुख्यमंत्री जी और ललन जी को धन्यवाद दिया कि देश के परिस्थिति को देखते हुए इन्होंने लिया है, और इससे पहले जो 5 दल यानी सीपीआई सीपीएम सीपीएमएल कांग्रेस और आरजेडी के सभी विधायकों ने हमको अधिक किया था निर्णय लेने के लिए, तो अब हम प्रस्ताव करते हैं कि नेता के रूप में संयुक्त महागठबंधन विधान मंडल के नेता के रूप में श्री नीतीश कुमार जी का नाम समर्थन करता हूं। महबूब आलम जी मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं भी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सीपीआई के श्री राम नरेश पांडे जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से नेता के रूप में निखिल कुमार जी का प्रस्ताव जो आया महागठबंधन की ओर से उसका समर्थन करता हूं।